वेलकम क्लास 11। वी वर डूइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 2 किया हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ की थी कि बिजनेस के फॉर्म को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो बिजनेसेस जो कि पूरी तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल लाइक मैं आप हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरह वो बिजनेस होते हैं दूसरी तरफ वो बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो पहली तरह के बिजनेस जो कि आप मैं जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल लोग करते हैं, हम लोग कर सकते हैं बिजनेस को, उसको हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के डिफरेंट फॉर्म्स हमने चैप्टर 2 में पढ़े। फॉर्म कौन कौन से थे? सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, एंड उसके बाद हमने कंपनी पढ़ लिया। अब आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में हम करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो कि होली मैनेज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह से इन बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, तो उन्हीं बिजनेस को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आज हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े उसके, और उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ के उनके हमने फीचर्स मैरिट और डीमेरिट्स को किया। उसी तरह हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी इसके डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स के फीचर्स मैरिट और डीमेरिट्स को भी करेंगे। अब सबसे पहले आपके चैप्टर में क्या आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यू कैन राइट इन अ सिंपल एक सिंपल लाइन में लिख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं दैट आर होली ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उन्हीं को ही हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। आज की वीडियो के प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि इस चैप्टर में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स। आपको सिर्फ क्या करना है, वही चीज़ें लिखनी हैं जो मैंने लिखी हैं, राइट? और फिर इसके अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। जब भी हम फॉर्म्स करेंगे धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी, तो जितने एग्जाम्पल, क्योंकि 1 मार्क का इससे एग्जाम्पल भी आता है कि बताइए ये कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो वो चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मीनिंग हम कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं अपने आप ही मीनिंग, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कर पढ़ रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को हम कितने फॉर्म्स में स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को कितने फॉर्म में स्टार्ट कर सकती है। तो 3 फॉर्म्स होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के, तो वो देखते हैं हम। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी। ये 3 फॉर्म होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, मतलब जो गवर्नमेंट की बिजनेसेस हैं या गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है, तो वो 3 फॉर्म में किसी भी फॉर्म में स्टार्ट कर सकती है। मे बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट मे बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसके फीचर्स के बारे में भी समझेंगे। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है? तो बजाय मैं आपको ये स्टार्ट करूँगी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको इसमें समझाऊंगी कि एक्चुअली इन तीनों में फ़र्क क्या है। इन तीनों में ये फ़र्क है, अगर हम छोटा सा डिफरेंस देखें तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वो होता है बिजनेस या वो अंडरटेकिंग है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब एवरीथिंग, हर सब कुछ, वो कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाना है, पूरा A to Z सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो यहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं होती कि बिजनेस कैसे चलाना है कैसे नहीं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से इस पर कंट्रोल रखती है।
स्टैचुरी कॉरपोरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्रीडम दे देती है एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए कि ठीक है आप अपनी तरह से काम कर लीजिए, अपने एम्प्लॉयज को जो भी उन्होंने मैनेज करने के लिए रख रखे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ है कि ठीक है थोड़ी बहुत फ्रीडम है कि आप थोड़े बहुत डिसीजन ले सकते हैं, आपको इतना कुछ हमें गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स या ऑल दिस थिंग्स। और गवर्नमेंट कंपनी में तो और फ्रीडम मिल जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में तो क्या होता है 51% शेयर होता है गवर्नमेंट का, बाकी प्राइवेट लोगों का होता है, तो इसमें और भी फ्रीडम मिल जाती है काम करने की कि कैसे काम किया जाए, तो गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखती है, या फिर मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से वो रहता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पे। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं उसको एग्जांपल दे देती हूँ आपको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किस तरह के बिजनेसेस होते हैं। नेचुरली जो ये तो गवर्नमेंट के अंदर तो होंगे ही, तो जैसे इसके एग्जांपल मैं दे सकती हूँ रेलवे, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो ये सब क्या हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इनका एक एक काम गवर्नमेंट के कहने पर ही होता है या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पूरी तरह से मैनेज और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट से। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रेलवे का, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम रेलवे का ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में समझते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि रेलवे वो चीज़ है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि ये रेलवे है एंड ये इसके फीचर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो जब हमें रेलवे के बारे में पता है तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के भी बारे में पता है, क्योंकि ये तो उसी का ही एक एग्जांपल है। थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए थोड़ा सा रेलवे के बारे में समझते हैं, रेलवे क्या होती है। देखो हम रेलवे के बारे में क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेलवे का एक अलग से मिनिस्ट्री होती है, हम कहते हैं ना ये रेलवे मिनिस्ट्री है, और रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंडर चलती है, रेलवे मिनिस्टर के अंडर चलती है ना, रेलवे मिनिस्टर है हमारा, रेलवे मिनिस्ट्री होती है सारी की सारी जो कि रेलवे पे कंट्रोल करती है पूरी तरह से। और अगर सपोज कोई प्रॉब्लम हो जाती है या मिस हैपनिंग हो जाती है रेलवे में या कोई भी डिफेक्ट होता है उसके कामों में, तो फिर क्या करते हैं पार्लियामेंट में लोग क्वेश्चन पुट करते हैं रेलवे मिनिस्टर से कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, या आपके रेलवे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लॉसेस में जा रही है। तो इसका मतलब रेलवे जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर चलती है और उसका हेड कौन है, रेलवे मिनिस्टर है। रेलवे मिनिस्टर पार्लियामेंट में लोगों के लिए उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है या फिर आंसरेबल होता है, उसको जवाब देना पड़ता है कि जो उसकी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो कि उसके अंडर चल रही है उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हमने ऑब्जर्व की, इसके अलावा हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं कि रेलवे जो होती है उसका बजट आता है ना, रेलवे का तो बजट होता है, तो जैसे डिफेंस का भी बजट होता है, तो रेलवे का बजट होता है जिसमें सब कुछ पहले से ही बताया जाता है। पहले क्या होता था, रेलवे का बजट अलग से आता था, फिर देन जनरल बजट आता था, लेकिन अब दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गए हैं, रेलवे बजट और दोनों जनरल बजट मिक्स हो गए। बट बजट क्या होता है, बजट का मतलब पूरी इनकम, पूरा एक्सपेंसेस, नेक्स्ट ईयर हम कितना इस पर पैसा खर्च करने वाले हैं, कितना हमें उम्मीद है कि हमें रेलवे से पैसा मिल जाएगा, ये सबका हम क्या करते हैं प्री एस्टिमेट कर लेते हैं, यही तो बजट है। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि रेलवे का तो बजट भी होता है, मतलब इसके इनकम और एक्सपेंसेस को पहले से ही एस्टिमेट किया जाता है, या फिर ये समझा जाता है कि कितने पे हमें खर्च करना है, सब कुछ पहले से, कितनी ट्रेन चलेंगी सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। पार्लियामेंट में किया जाता है, रेलवे मिनिस्टर करता है ये डिसाइड, अपने हेल्प मिनिस्टर्स की हेल्प से या अपनी मिनिस्ट्री की हेल्प से करता है। तो ये सब चीज़ें हम रेलवे के बारे में जानते हैं, रेलवे एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में भी जानते हैं, राइट। अब हम करते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें अब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में पड़ती जाएंगी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता क्या है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वो बिजनेस है या वो अंडरटेकिंग है जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट की ही परछाई कह सकते हैं आप उसको, बिल्कुल गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस का कोई अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसका मतलब अगर आप रेलवे पे, डिफेंस पे या कहीं भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अगर कोई भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पे आप केस करते हैं लाइक अ पब्लिक, जैसे मैं हूँ, मैं कोई केस करती हूँ, तो ये माना जाएगा कि आप गवर्नमेंट के ऊपर केस करें, तो गवर्नमेंट मुझे उस चीज़ का जवाब देगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या होगा, कैसे कंपनसेट होगा, राइट। तो गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, दोनों एक ही माने जाते हैं।
और दूसरी बात, अभी तो हमने किया रेलवे में, दूसरा हमने ये किया कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो डिपार्टमेंटल टेकिंग क्या है, तो हम लिखेंगे इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, ये गवर्नमेंट के साथ ही मानी जाती है और इसका जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा एक मिनिस्ट्री ही करती है। मतलब एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा वो पूरा का पूरा कंट्रोल इस पर करता है। अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम, तो फीचर्स क्या है, ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर जगह काम कर रही है, कोई भी बिजनेस चल रहा है किसी मिनिस्ट्री के अंडर, तो वो क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाता है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इन गवर्नमेंट, ये भी हमने किया। देन द फंडिंग ऑफ दिस, अच्छा पैसा कहाँ से आता है, इनका पैसा कहाँ से आता है, तो अभी तो हमने किया कि पैसे का जो भी एस्टिमेट करते हैं वो बजट में पहले ही कर लिया जाता है कि इस साल कितना हम इस पर एक्सपेंसेस करने वाले हैं, कितना खर्च करने वाले हैं, कितना इनकम की हमें उम्मीद है हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, इसके जितने भी इनकम होती है, जैसे रेलवे डिफेंस जो भी है इनकी सबकी एक ट्रेजरी बनी होती है, उनकी जितनी भी इनकम होगी वो उस ट्रेजरी में डाल दी जाती है और उस पर जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पे, जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसी ट्रेजरी में से पैसा लेके उन पर कर दिए जाते हैं खर्चे। ठीक है, तो दीज द फंडिंग्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंडर से आते हैं एंड द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दिस इज ऑल्सो पेड इन ट्रेजरी, और वो जो भी कमाई होती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से वो पैसा भी उस ट्रेजरी के अंदर डाल दिया जाता है। Then come to fourth, they are accountable to their concerned ministry, और जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जैसे रेलवे है, डिफेंस है, ये लोग जब काम कर रहे हैं तो इनका जो मेन हेड है जो कि जिसके अंडर काम फिर अंडर काम, तो जो मेन है वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर किसी के लिए अकाउंटेबल होगा। मतलब पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है, जैसे रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये अपनी अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि why this happened, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, एवरीथिंग, वो कोई भी डिटेल उनसे ले सकते हैं। और फिर वही मिनिस्टर पार्लियामेंट में जवाबदेह होते हैं, मतलब उनको आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में, आंसरेबल होते हैं कि अगर कोई इनसे क्वेश्चन पुट करेगा तो फिर वो अपने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का क्या बोला आंसर देंगे। देन नेक्स्ट, दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप सू करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस को, तो ऐसे माना जाएगा जैसे आप गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको उसका आंसर देगी कि कैसे और क्या करना है, जो भी समथिंग है, जो भी कार्रवाई होगी। देन द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर द सिविल सर्वेंट्स। हम कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो प्रॉपर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो एक्चुअली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के ही माने जाते हैं। अगर कोई पर्सन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जॉब कर रहा है तो ही और शी इज़ प्योर सिविल सर्वेंट, वो प्योर सिविल सर्वेंट माने जाते हैं। उन पर वही रूल्स अप्लाई होते हैं, वही सारे उनको रूल्स मानने पड़ते हैं और वही अप्लाई होते हैं जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे रूल अप्लाई होने चाहिए। तो मतलब ये प्रॉपर सिविल सर्वेंट माने जाते हैं, ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब वाले माने जाते हैं, हमारी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं। तो ये सब कुछ था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में। तो आज हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स थे फीचर्स ही पढ़े, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आज के लिए हम फीचर्स ही पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले इसकी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।